हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनिश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब पर अगर आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं तो क्या नहीं करेंगे तो आपका जो चैनल है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, जब भी आप कोई चैनल बनाते हैं तो जो सबसे पहला होता है ना, आपको ना फेमस होना होता है या फिर अपने ना आसपास के लोगों को आपको बताना होता है कि भाई मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, आप मुझे वहां देखो मैं कैसा हूं। और ये फेम के पीछे आप लोग दौड़ने लग जाते हैं और यही सबसे बड़ा मात खाते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, जितने भी मेरे दोस्त यार हैं जो भी चैनल पर बना रहे हैं या फिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अक्सर बोलता हूँ कि ना अपने जितने भी दोस्त यार हैं ज़्यादा तक शेयर मत करो कि आप क्या कर रहे हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं या फिर आप क्या करने वाले हो। वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो बनाएंगे ठीक है और अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को शेयर करेंगे, फिर धीरे धीरे करके फीडबैक आना चालू हो जाएगा उनका। फीडबैक इन सेंस क्या होगा कि वो बताएंगे, देखिए इस बार जो आपने वीडियो बनाया था ना उसमें लाइटिंग ठीक नहीं थी। फिर एक दूसरा आएगा, आवाज़ की क्लैरिटी उतनी मज़ेदार नहीं थी, कोई और माइक ले लो कोई अच्छा वाला। कैमरा किससे बनाते हो? इस तरह के 36 सवाल आपको हर रोज झेलने पड़ेंगे अपने यूट्यूब चैनल को लेके। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे करके क्या होगा कि आप देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, जैसे आपने वीडियो अपलोड करना चालू करोगे तो आपकी जो पर्सनल और सोशल लाइफ जो होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? वो ये कि फिर जो आपका दोस्त होता है ना, जब अपने दोस्त से आप बात करते हो तो आप पर्सनल चीज़ें के बारे में बात करना भूल जाते हो और सिर्फ आपका ना टॉपिक पर बात होने लग जाता है। सिर्फ यूट्यूब के बारे में आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, अपने फैमिली मेम्बर से बात करना चालू कर देते हो और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। YouTube को अगर आपको रियली ग्रो कराना है तो इसको एज अ जॉब लेके चलो आप, इसको एज अ बिजनेस लेके चलो आप। सोचो कि क्या मैं जो डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो क्या मैंने जो ऑफिस में किया है तो क्या मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करता हूँ? नहीं करता। क्या मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करता हूँ? नहीं करता। कौन से क्लाइंट हैं, क्या क्लाइंट है, क्या मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करता हूँ? नहीं करता। फ्रेंड से करता हूँ? नहीं करता। जब वो चीज़ें आप नहीं करते हैं तो जो आप वीडियोस बना रहे हैं तो वो क्यों शेयर करते हो आप कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ? क्या उनके फीडबैक्स क्यों लेते हो? कोई वो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स तो हैं नहीं, या फिर अगर आपसे बहुत बड़े हैं, मतलब कि नॉट इन एज, इनकी यूट्यूब चैनल पर उनका बहुत बड़ा ग्रोथ है और वो अच्छा खासा 1-2 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके, तब तो उनसे फीडबैक कुछ ले सकते हो आप। जिन्होंने कभी चैनल बनाया ही नहीं है उनसे फीडबैक लेके क्या फायदा? सिंपल सी बात है, आप लोगे डीमोटिवेट होगे। अब क्या होता है, इसके बाद डीमोटिवेशन कैसे स्टार्ट होता है, फिर आपके जो नंबर ऑफ वीडियो जो समझ लीजिए वीक के 5-10 आने थे वो अब सिर्फ 2-3 आएंगे। और वो क्यों होगा? क्योंकि जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई है ना, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाओगे। और यही देखिए, आप जैसे जैसे नंबर्स ऑफ वीडियो आप बनाना चालू करोगे ना तो धीरे धीरे करके आपका जो 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 गलतियां हैं ना वो आपको खुद ही दिखने लगेगी और वो धीरे धीरे करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। आप अगर उस गलतियों को एक बार में ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो नंबर्स ऑफ वीडियोस हैं वो अपलोड नहीं होंगे, फिर आप फंस जाओगे प्रॉब्लम में कि वीडियोस नहीं अपलोड हो रहे हैं, फिर दिक्कत होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में कोशिश कीजिए कि शेयरिंग ना करें, अपने पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर ना करें। इस देखिए, ये आपके फैन फॉलोइंग नहीं है, आज आपने उनको बता दिया, कल को आप जो अगर बड़े भी हो गए, बड़े यूट्यूबर्स हो गए ना, जो आपको डिसलाइक करने वाले जो लोग होंगे ना, आपके आस पड़ोस वाले ही लोग होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो चीज़ें मैंने बोली है अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें एक चीज़ का और फायदा है कि अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आप वीडियो पब्लिश करने से पहले नहीं सोचते कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर आप सोचने लगे ना तो फिर वीडियो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं
रीसेंट अपडेट के साथ यूट्यूब के भी और डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तब के लिए टेक केयर, नमस्कार।